हेलो, आज हम काली के बारे में जानेंगे। काली सल्फ। तो काली सल्फ मतलब ये दो एलिमेंट होते हैं उसमें, काली और सल्फ। तो काली होता है थर्ड रो का एलिमेंट। तो उसके जो इश्यूज होते हैं वो नर्चरिंग के बारे में होते हैं। तो काली सल्फ तो ये बंदे कैसे होते हैं ना, तो ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में होते हैं, ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, ड्यूटी का बहुत ज़्यादा सेंस होता है इनमें। एंड रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट मस्ट चेक। तो ये कोई भी बाहर जाना होता है या फिर घर से निकलना होता है, तो सिलेंडर का बटन ऑफ बंद किया है क्या, जो लाइट्स फैंस के बटन वो बंद किए हैं क्या, ये कुंडी बराबर से लगी है या नहीं, लॉक बराबर हुआ है कि नहीं, वो चेक करके ही बाहर निकलेंगे। तो ये चेकिंग ट्वाइस और मोर में है। एंड चेयरफुल डांसिंग लाफिंग, तो ये काली सेल्फ है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ काली एंड सेल्फ, तो सेल्फ का भी इसमें प्रॉपर्टीज होता है। तो ये चेयरफुल डांसिंग लाफिंग सिंगिंग वेन में है। इन क्लीनलीनेस मैनिया फॉर देन डांसिंग देन डिस्पेयर वर्क ओवर हीज देन दे आर वेरी फास्टिडियस देन हारमोनी डिजायर फॉर में है काली सेल्फ। तो इनमें क्या हारमोनी मतलब क्या, तो किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, वो बातें मान जाते, तो वो ये क्यों करने का, तो मतलब झगड़े में नहीं पड़ने का, वो ऐसे ही कैसे शांति से सॉल्व करने का ये सोचते हैं। तो उसमें से सॉल्यूशन निकाल के या फिर दो कदम पीछे जाके वो ये करते हैं, हारमोनी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देन एब्जॉर्ब, जो उनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो किसी ना किसी ख्याल में एकदम एब्जॉर्ब होते हैं। देन अफेबिलिटी में है, तो सल्फर एलिमेंट है ना उसमें, तो कैसे होते हैं ना, अफेबल होते हैं। देन अफेक्शनेट, तो बेनोवॉलेंस में है, तो सोशियबिलिटी में है काली सब। देन ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ, तो सबसे दोस्ती करेंगे, दोस्ती करते हैं। देन केयर्सफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयर्सफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। देन टेस्टफुल, टेस्टफुल मतलब उनका टेस्ट जो होता है, कपड़ों का सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, उनको अच्छी चीज़ें करना, अच्छी चीज़ें खाना, तो टेस्टफुल मतलब खाने के पहन पहनावा जो उनका होता है वो बहुत अच्छा होता है। देन हरी, दे आर ऑलवेज इन हरी। देन इम्पेशंस, स्लोली एवरीथिंग गोज टू, तो उनको लगता है कि कितना धीमे धीमे चल रहा है ना सब, तो क्योंकि वो इम्पेशंट होते हैं। इम्पेशंस, स्लोली एवरीथिंग सीम्स टू। देन इम्पेशंस वर्किंग वैन, तो काम करते तो भी उनको लगता है कि ये जल्दी से जल्दी निपटा लो। तो लोक्वासिटी, चेयरफुल एग्जुबरेंट, बहुत मतलब बातें करते हैं, ये कम्युनिकेटिव भी होते हैं। देन लोक्वासिटी जेस्टिंग विथ, लोक्वासिटी वाइवेशियस। देन नेचर लव्स में है, तो ऑर्डर डिजायर फॉर, तो सब चीज़ें हो ऑर्डर में चाहते हैं। देन क्वारलिंग अवर्जन टू, तो हारमोनी डिजायर में है ना, तो क्वारल करके हारमोनी मिलेगी क्या, नहीं, तो वो विदाउट क्वारल मतलब कुछ झगड़ा करने से बजाय तो शांति प्रिय ढंग से एकदम वो हारमोनी मेंटेन करके सब चीज़ें करते हैं। देन प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, देन प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स में है। देन क्वारलिंग अवर्जन, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। देन ड्यूटी बाउंड पर्सन, देन दे आर वेरी प्रोग्राम। देन डिल्यूजन राइट डूइंग नथिंग राइट ही इज, मतलब जो कुछ भी वो कर रहा है वो सही नहीं है, गलत कर रहा है ऐसा उसको लगता है, वो डिल्यूजन में है ना। देन फर्मनेस, कॉन्फिडेंस लैक ऑफ। देन हैव, ये पहले कैसे होता है कि एकदम ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, और जब एलिमेंट्स आते हैं तो वो क्या होता है, तो हैव टू डू माई ड्यूटी, देन उनको वो काम करना पसंद नहीं होता है, तो वो एवर्जन में जाते हैं, एवर्जन टू ड्यूटीज।
देन प्लीजिंग अदर्स, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में है, देन एनल फिक्सेशन में है। देन इसके एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं ना, एक पहले हमने देखा कि बहुत चीयरफुल बंदे होते हैं, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में होते हैं, तो ये बीमार कैसे पड़ते हैं, तो इनमें एलिमेंट्स कैसे आते हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम म्यूजिक, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग, देन एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्शुअल एक्सेसेस। तो ये है एलिमेंट जिसके वजह से ये बीमार गिरते हैं। देन बिजनेस एवर्जन टू, पहले कैसे होते हैं ड्यूटी कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा काम ये वो करते हैं, तो बाद में जाते हैं बिजनेस एवर्जन टू। देन डिल्यूजन डिसग्रेस्ड शी इज, देन डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट, देन डिस्पेयर वर्क अबाउट हिज, देन डिसकंटेंटेड एवरीथिंग विथ, डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विथ, खुद से भी असंतुष्ट रहते हैं, आजू बाजू के जो उनका IPR होते हैं उनसे भी वो असंतुष्ट डिसकंटेंटेड रहने लगते हैं। देन डिस्करेज्ड फ्यूचर अबाउट, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में ये डिस्करेज्ड हो जाते हैं। देन ड्यूटी अवर्जन टू, देखा पहले जो ड्यूटी कॉन्शियस था, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में था, वो कहाँ चला गया, तो ड्यूटी एवर्जन में। देन इस्ट्रेंज्ड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फ्रॉम, तो ये कैसे हो जाता है, इस्ट्रेंज्ड हो जाता है, उसे दूर हो जाता है फैमिली से। देन पहले कैसा था, केयरफुल ऑफ अदर्स, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, जो केयर था वो सब ख़त्म हो जाता है, वो इस्ट्रेंज्ड होने लगता है अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स के, जो एकदम अफेक्शनेट था, जो ब्रदरहुड सेंसेशन में था, भाईचारा था उसमें, वो कैसे हो गया ना, इस्ट्रेंज्ड हो गया। देन हिस्टेरिया, इंज्योर हिमसेल्फ डिज़ायर टू, देन इनडिफरेंस ड्यूटीज टू, देखो कितने रूब्रिक्स इसके पोलैरिटीज़ में है ना। देन इनडिफरेंस एवरीथिंग टू, कुछ भी करने का मन नहीं करता इसका। देन इनडिफरेंस लवेड वंस टू, जो उसके भाई थे, सगे थे, अपने थे, फ्रेंड्स थे, जिनके साथ वो रहता था, उनको उनमें रहना उसको पसंद था, तो उन सबसे इस्ट्रेंज्ड होके वो इनडिफरेंस में चला गया, कि इनडिफरेंस एवरीथिंग टू, इनडिफरेंस लवेड वन टू। देन लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, देखो कैसे कितना ड्यूटी वाला बंदा था, ये अब लेजीनेस पोस्टपोनिंग वर्क में चला गया। देन लॉन्गिंग रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, तो शांति चाहता है कि कुछ सब छोड़ छाड़ के अभी मुझे क्या चाहिए, तो एकदम शांति पीस चाहिए उसको। देन पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, तो इसके एलिमेंट्स ही आते हैं ना मेंटल एग्जर्शन से, तो उसका प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड हो जाता है। देन रेस्ट डिज़ायर फॉर, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। देन सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट, wrapped up in deep sad thoughts and notices nothing as if nothing as if, मतलब उसने कुछ उसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो सिर्फ ऐसे ऐसे ही बैठने का, किसी में भी मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेने का, खाली ऐसे बैठे रहने का, तो रेस्ट चाहिए इसे और शांति चाहिए। और अनटाइडी में भी है, बाद में चला जाता है। तो ये काली जो है, तो थीम वाइज अगर हम देखें तो दे आर बाउंड टू देयर ड्यूटी टू बी गुड टू देयर पार्टनर, दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, एंड काली जो होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल वाले होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, तो उनको जो परंपरा से चली हुई जो चीज़ें होती है उनमें कुछ भी चेंज एवर्जन टू में रहते हैं, उनको कोई भी चीज़ मतलब ये चीज़ सुबह 7 बजे उठना है तो उठना ही है, उठने के बाद अपना जो रूटीन है वो तो रूटीनिस्टिक होते हैं, जो उनका काम है वो उसी टाइम होना, उनको जो ब्रेकफास्ट है उसी टाइम उनको लगता है, और जो सीक्वेंस में जो भी बातें मतलब रूटीन की जो भी बातें हैं, जो जैसे चलता है सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद से, तो रात में सोने के टाइम तक,
जो उनका 1 2 3 4 जो रहता है वो काम उसी टाइम पर होना चाहिए, ऐसे उनका रूटीन रहता है। बहुत ही रूटीनिस्ट होते हैं ये पीपल। तो ये था कालीसल। थैंक यू।